हरियाणा के यमुनानगर की अपराध शाखा एक की टीम ने बाइक चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। इस बाइक चोर गिरोह के पास से 9 बाइक बरामद हुई हैं। बता दें कि ये चोर गिरोह लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। फिलहाल आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। चोरों का एक गिरोह जो है वो यमुनानगर पुलिस की CIA वन टीम ने उनको काबू किया है। तो मार्च अप्रैल और मई महीने में कई इस प्रकार की घटनाएं हुई थी जहां पे अलग अलग स्थानों से यमुनानगर में बाइक चोरी हुई थी। इस संबंध में विभिन्न मुकदमे जो हैं वो दर्ज थे और इस मामले में 9 मुकदमों में जो है वो 9 मोटरसाइकिल जो हैं वो इस CIA टीम ने बरामद किए हैं और ये इस गिरोह को पुलिस ने पकड़ने में जो है वो सफलता प्राप्त की है। जो लेटेस्ट इनके द्वारा चोरी की गई थी वो शास्त्री पार्क से 1 जून को बाइक चोरी की गई थी, तो विशेष टीम का गठन किया गया था और यही प्रयास था कि इन बाइक चोरों को पकड़ा जाए। तो ये जो इसमें 3 आरोपी जो हैं वो पाए गए हैं। इसका जो मास्टरमाइंड था वो अमित था और बाकी जो 2 व्यक्ति थे वो रेकी करते थे, नज़र रखते थे और एक साथी जो था वो इनमें से बाइक चोरी करके फरार हो जाता था। तो मेरी समझ में आगे भी जो इस प्रकार के बाइक चोरी के गिरोह हैं उन पे भी विशेष तौर पे नज़र रखी जाएगी और प्रयास यही होगा कि इसमें अधिक से अधिक बरामदगी की जाए और हमारी जो प्रिवेंटिव पुलिसिंग है, पेट्रोलिंग है, वो भी बाइक चोरी के की दृष्टि से उसको सशक्त किया जाए। तो सर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इनको अब दौराने रिमांड जो है वो हम इसमें पता लगाएंगे, इनका यही था कि ये बाइक को चोरी करके आगे जो हैं अन्य इनके नंबर या इंजन चेसी नंबर वगैरह हटा के आगे जो है ये बेचते थे या उसके पार्ट्स जो है वो, बाकी इसके बारे में गहनता से जो है वो कार्रवाई इनके रिमांड के दौरान की जाए। अभी सीधा सीधा कोई ऐसा नहीं आया कि ये इन्होंने आरोपियों को डायरेक्ट कोई प्रोवाइड किया हो। ये आदतन जो हैं वो चोर हैं और ये चोर करके आगे किसी कबाड़ी या किसी वर्कशॉप के माध्यम से जो हैं वहाँ पे सेकेंड हैंड बाइक्स प्रोवाइड कराते हैं। तो आपके माध्यम से मैं सबको यही अपील करना चाहूँगा कि अगर वो कोई भी सेकेंड हैंड बाइक लेते हैं कहीं से भी, किसी भी कबाड़ी, किसी वर्कशॉप से या किसी भी अन्य व्यक्ति से, तो कृपया उसके कागजात जो हैं वो पूरी तरह से जांच लें और छोटे मोटे लालच में या कोई सस्ती बाइक पाने के लालच में ऐसा ना करें कि आप कोई चोरीशुदा बाइक को खरीद बैठें। और अगर कोई इस प्रकार से चीज करता है, कोई जानबूझ के इस प्रकार का अपराध करता है, तो उस पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तीनों कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो चोर हैं ये गांव खजूरी के रहने वाले हैं और ये जैसे कि हमने बताया कि इसमें जो खजूरी निवासी अमित है ये इसका मास्टरमाइंड है और ये बाकी जो लोगों अपने जो गिरोह के साथी हैं इनके साथ मिलके प्लानिंग करता था, रेकी करता था, एक आदमी नजर रखता था और दूसरा व्यक्ति जो है वो बाइक चोरी करके फरार हो जाता था। देश दुनिया दी ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसी एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।